ये पास्ता जो हमने बॉयल करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं विलीज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मायोनीज पास्ता बनाने की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले ये मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6 लीटर मैंने पानी लिया है और इसको बॉयल आने देंगे हम। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब ये 1200 ग्राम पास्ता है, ये आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। दो चम्मच नमक, ऑयल के 3 चम्मच, अब कवर करके हम इसके कभी उतार चम्मच भी हिलाते रहना। दरमियान में 80% तक इस पास्ते को हमने पकाना है। इनको पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं और ये देखें, ये 80% तकरीबन डन हो चुका है। ये अंदर वाइट सी लाइन इसके नज़र आ रही है, ये पक चुका है। अब उतार लेंगे और इसका पानी छानेंगे। अब इसके ऊपर ठंडा पानी ताकि इसका जो पकाई का प्रोसीजर है ना वो रुक जाए। अब बाकी काम हम रेडी कर लेंगे। अब ये 6-7 चम्मच ऑयल है, ये इसमें शामिल करेंगे। ये लहसुन है, तकरीबन 15-20 जवे हैं, इनको बारीक काट लिया है। इसको ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। अब ये चिकन है, इसको छोटी छोटी बोनलेस चिकन है, छोटी छोटी बोटी काट ली थी, ये 1.5 किलो है, ये शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है 2 मिनट तक तकरीबन। ये गोश्त का अपना पानी है, ये इसी में पक जाएगा, इसको अच्छी तरह खुश्क होने देना है। चिकन अच्छी तरह हो चुका है। अब इसमें ये आलू है, ये 1 किलो है, इस शेप में काट लिया। 1 किलो गाजर है, इसको भी इसी शेप में काट लिया। आप किसी भी शेप में अपनी मर्जी से काट सकते हैं। अब तकरीबन 2 मिनट तक इसको हम करेंगे इसके साथ ही गोश्त को फ्राई। और इस पॉइंट पे आके तकरीबन 2 चम्मच काली मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पास्ते में नमक हमने डाला हुआ है, इसमें 1 चम्मच डाल लेंगे और अब 2 मिनट तक इसकी बनाई करनी है। और गाजरों को भी हमने 80% तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। गाजरें और आलू अभी 50% पके हैं। अब ये प्याज है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब तकरीबन 30% ये प्याज भी पक जाएंगे इसके साथ ही। ये आलू और गाजर तकरीबन 80% पक चुके हैं। अब इसके अंदर ये 1 किलो के करीब मायोनीज है, ये शामिल करेंगे।
ये केचप है, चिली वाला केचप है। आप चाहे तो अकेली मायोनीज भी शामिल कर सकते हैं इसको स्पाइसी करने के लिए। ये है तकरीबन आधा लीटर। अब ये मटर मैं इसमें शामिल करूंगी। ये मैंने बॉयल किए हुए मटर है, अगर बॉयल ना किए होते तो मैंने गाजरों और आलूओं के साथ ही शामिल करना था। कोई भी सब्जी आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपनी पसंद से, शिमला मिर्च और जो भी सब्जी चाहे, और जो भी चाहे स्किप कर सकते हैं। अब ये पास्ता जो हमने बॉयल करके रखा था, बर्तन हमारा छोटा हो गया है, माशाल्लाह चीजें काफी हैं। इसको अब मिक्स कर दिया और बहुत हल्की आंच पे रखा हुआ है इसको मायनीज डाल के, इसको पकाना नहीं है अब। और ये ओरिगेनो है, ये हम शामिल करेंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और ये मज़ेदार सा हमारा पास्ता रेडी, आप उतार लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक के लिए विलीज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।